रोजे की हालत में कौन से काम जायज है? नंबर एक, हालत जनाबत में रोजा रखना और बाद में गुस्ल करना। बुखारी की रिवायत है 1926 और 1931। हालत जनाबत में रोजा रखा जा सकता है, रोजे की हालत में ये जायज काम है। बाद में नहाले, मसलन फजर का वक्त है तो रोजा रखने के बाद ऐसा बाज़ुकत होता है कि एक औरत को मोहलत नहीं मिली, अगर वो नहाती है तो सब लोगों का रोजा जाता है, इसलिए वो सहरी बना के सबको भी खिलाएगी, खुद भी खा लेगी और उसके बाद जो है अजान हो गई, कोई हर्ज की बात नहीं, अजान के बाद सहूलत के साथ वो नहाए, गुस्ल करके नमाज अदा करे। रोजे का वक्त अगरचे शुरू हो चुका लेकिन ऐसा करना जायज है। आज हम वो उमूर देख रहे हैं ना जो जायज उमूर है। दूसरा, कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। कुछ लोग ये समझते हैं कि मुंह में पानी चला जाएगा तो जाने क्या हो जाएगा, अच्छा ही है, थोड़ा सा मुंह फ्रेश भी हो जाता है वजू से। और यानी नाक में पानी चढ़ाने में थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, यानी सांस खींच कर अंदर ले जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अबू दाऊद की रिवायत है 2366 और 142। इसी तरह मिसवाक करना, बुखारी कबल अल हदीस 1934 से साबित है, किताबु सौम बाबु सिवाक में। मिसवाक करना जायज अमर है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। चौथी चीज है टीका लगवाना, ऐसा टीका जिसका मकसद कुव्वत या खुराक ना हो, उसकी हैसियत बैरूनी दवा की है जो मैदे में नहीं जाती, क्योंकि खाने पे पाबंदी है ना जो आप मुंह से लेके जाए। अगर कोई यानी वाइटमिन का है या कोई कुव्वत वाला टीका है, कैल्शियम का इंजेक्शन है या आयरन का है, ऐसा इंजेक्शन नहीं लगवाया जा सकता, लेकिन अगर दवा है तो दवा में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वो टीका मैदे में नहीं जा रहा। पांचवी चीज है तेल लगाना और कंघी करना, बुखारी कबल अल हदीस 1913 से साबित है। छठी चीज है गर्मी की वजह से गुसल करना, अबू दाऊद की रिवायत है 2365। कुछ लोग कहते हैं गुसल कर लेते हैं तो हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं, तो फिर तो रोजा खराब हो जाता है। भाई रोजा कोई यानी कढ़ाई में डाल के रखने का नाम तो नहीं है खुद को, कि आप जो है वो हर वक्त एक मखसूस मुशक्कत में ही रहे। अगर आपको गर्मी लगी है आप गुसल कर लें, गुसल करना जायज है, कोई हर्ज की बात नहीं, एक से जायद बार कर लें कोई हर्ज की बात नहीं। सातवीं चीज है नाक में दवा डालना, बुखारी बाद अल हदीस 1934 से पता चलता है। नाक में जब दवा डाली जाए तो अंदर जाने का खदशा होता है, बाज़ुकत ये कि नाक पक गया, आपने कोई दवा लगा ली, कोई हर्ज की बात नहीं है इसमें, इवन कतरे भी डाल लिए तो कोई हर्ज की बात नहीं है। इसी तरह आठवीं चीज है हंडिया का जायका चखना, बुखारी कबल अल हदीस 1930 में, शर्त यह है कि हलक में ना जाए। और नवी चीज है नकसीर आना, इस पर किसी को कोई इख्तियार नहीं है, इसलिए रोजे को नुकसान नहीं। फतावा में ये वॉल्यूम 10 पेज 264 पर है। इसी तरह दसवीं चीज है टेस्ट के लिए खून देना, ग्यारहवें पछने लगवाना, बुखारी 1938 और 39 पर है। बारहवां सुरमा लगाना, इब्ने माजा की ये रिवायत है। और इसी तरह से कान या आंख में दवाई के कतरे डालना, फतावा में ये वॉल्यूम 2 पेज 129 पर है। चौदवा, बीवी को किस करना या मुआनिका करना, जज्बात और ख्वाहिशात पर कंट्रोल हो तो बूढ़े आदमी के लिए खतरा नहीं, नौजवान के लिए खतरा है, अबू दाऊद की रिवायत है 2387। पंद्रहवा, दांतों में दवाई मलना लेकिन हलक तक ना ले जाए। सोलहवा, मेकअप करना, चेहरे को खूबसूरत बनाने वाली अशिया, मसलन कोई ऐसा सोप है या ऑयल वगैरह जिसका ताल्लुक जाहिर से होता है, रोजे को कोई नुकसान नहीं देती। इसी तरह से क्रीम्स का या लोशन वगैरह का मामला, कोई हर्ज की बात नहीं। फतावा की रिवायत है वॉल्यूम 2 पेज 127। सत्रहवीं चीज है ठंडे पानी में नहाना और गोते लगाना, एक है वैसे वॉशरूम में नहाना, एक है स्विमिंग पूल पर नहाना, कोई हर्ज की बात नहीं है। अठारहवा, खाना चबाकर किसी बच्चे के मुंह में डालना, अगर बच्चे को कोई और किसी तरीके से न खिला सकता हो, चबाकर मुंह में डालकर कोई कुल्ली कर देता है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। उन्नीसवा है खुशबू लगाना, इब्ने तैमिया मजमूल फतावा वॉल्यूम 25 पेज 241 पर। खुशबू लगाने से वाला रोजे पे क्या फर्क पड़ता है जानते हैं? खुशबू लगाने से इंसान अगर गमजदा भी हो तो उसकी तबीयत ठीक हो जाती, संभल जाता है। खुशबू इंसान की तबीयत पर अच्छी तरह से असरअंदाज होती है, कोई हर्ज की बात नहीं। बीसवा, थूक निकलना, इतना भी क्या मोहतात होना कि थूक भी ना निकले, थूक निकलने में कोई हर्ज नहीं, बुखारी कबल अल हदीस 1930 है। इक्कीसवा है बिला इख्तियार मक्खी वगैरह का अंदर चले जाना, बुखारी कबल अल हदीस 1933। और ये हादसात होते रहते हैं, लोगों को फिर शुबा हो जाता है कि आया हमारा रोजा दुरुस्त है या नहीं। इस तरह बाईसवीं चीज है दांतों से खून निकलना, फतावा में ये वॉल्यूम 10 पेज 267 पे है।
और 23वां बच्चे को दूध पिलाना, दूध पिलाने में कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर दूध पिलाने वाली मां रोजा छोड़ना चाहे तो बाद के दिनों में कजा देनी होगी। मैं चाहती हूं कि उस अरब अदीबा की 10 नसीहतें जो उसने अपनी बेटी को की थी वो आपके सामने रखूं। अज़वाजी जिंदगी को पुरसकून बनाने के लिए बड़ी अहम नसीहतें हैं। पहली वसीयत है, ऐ मेरी प्यारी बेटी, मेरी आंखों की ठंडक, शौहर के घर जाकर कनात वाली जिंदगी गुजारने का एहतमाम करना। जो दाल रोटी मिले उस पर राजी रहना, जो रूखी सूखी शौहर की खुशी के साथ मिल जाए वो उस मुर्ग पुलाव से बेहतर है जो तुम्हारे इसरार करने पर उसने नाराजगी से दिया हो। दूसरी वसीयत है, मेरी प्यारी बेटी, इस बात का ख्याल रखना कि अपने शौहर की बात को हमेशा तवज्जो से सुनना, उसको अहमियत देना, हर हाल में उनकी बात पर अमल करने की कोशिश करना। इस तरह तुम उनके दिल में जगह बना लोगी, क्योंकि असल आदमी नहीं, आदमी का काम प्यारा होता है। इसी तरह से तीसरी वसीयत है, ऐ मेरी प्यारी बेटी, अपनी जीनत और जमाल का ऐसा ख्याल रखना कि जब वो तुझे निगाह भरकर देखे तो अपने इंतखाब पर खुश हो। सादगी के साथ जितनी भी मुकद्दर हो जाए खुशबू का एहतमाम जरूर करना। याद रखना कि तेरे जिस्म और लिबास की कोई बू या कोई बुरी हैयत उसे नफरत और कराहत न दिलाए। इसी तरह से चौथी वसीयत है, ऐ मेरी प्यारी बेटी, अपने शौहर की निगाह में भली मालूम होने के लिए अपनी आंखों को सुरमे और काजल से हुस्न देना, क्योंकि पुरकशिश आंखें पूरे वजूद को देखने वाले की निगाहों में जचा देती हैं। गुस्ल और वुजू का एहतमाम करना ये सबसे अच्छी खुशबू है और नजाफत का बेहतरीन जरिया है। इसी तरह पांचवी वसीयत उसने की कि ऐ मेरी प्यारी बेटी, उनका खाना वक्त से पहले ही एहतमाम से तैयार रखना, क्योंकि देर तक बर्दाश्त की जाने वाली भूख भड़कते हुए शोले की मानिंद हो जाती है और उनके आराम करने और नींद पूरी करने के औकात में सुकून का माहौल बनाना, क्योंकि नींद अधूरी रह जाए तो तबीयत में गुस्सा और चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। छठी वसीयत है, ऐ मेरी प्यारी बेटी, उनके घर और उनके माल की निगरानी, उनकी बगैर इजाजत कोई घर में ना आए, उनका माल लगवियात, नुमाइश और फैशन में बर्बाद न करना, क्योंकि माल की बेहतर निगहदाश्त हुस्ने इंतजाम से होती है और अहल वयाल की बेहतर हिफाजत हुस्ने तदबीर से। इसी तरह से सातवीं वसीयत उसने की, मेरी प्यारी बेटी, उनकी राजदार रहना, उनकी नाफरमानी न करना, क्योंकि उन जैसे बारोप शख्स की नाफरमानी जलती पर तेल का काम करेगी, और अगर तुम उसका राज औरों से छुपाकर न रख सकी तो उसका एतमाद तुम पर से हट जाएगा, तुम भी इस दो रुखेपन से महफूज नहीं रह सकोगी। आठवीं वसीयत है, मेरी प्यारी बेटी, जब वो किसी बात पर गमगीन हो तो अपनी किसी खुशी का इजहार उनके सामने न करना, यानी उनके गम में बराबर की शरीक रहना, शौहर की किसी खुशी के वक्त अपने छुपे हुए गम के असरात चेहरे पर न लाना और न शौहर से उनके किसी रवैये की शिकायत करना, उनकी खुशी में खुश रहना और उनकी खुशियों को कहर में यानी गुस्से में बदलने की कोशिश न करना, वरना तुम उनके कल्ब को, उनके दिल को गमजदा करने वाली बन जाओगी। नवी वसीयत है, ऐ मेरी प्यारी बेटी, अगर तुम उनकी निगाहों में काबिल इज्जत बनना चाहती हो तो उनकी इज्जत और एहतराम का खूब ख्याल रखना और उनकी मर्जी के मुताबिक चलना, तो उसको भी हमेशा हमेशा अपने जिंदगी के हर हर मरहले में अपना बेहतरीन रफीक पाओगी। दसवीं वसीयत है, ऐ मेरी प्यारी बेटी, मेरी इस नसीहत को पल्लू से बांध लो, उस पर गिरा लगा लो कि जब तक तुम उनकी खुशी और मर्जी की खातिर कई बार अपना दिल नहीं मारोगी, उनकी बात को ऊपर रखने के लिए खा तुम्हें पसंद हो या ना पसंद, जिंदगी के कई मरहलों में अपने दिल में
उठने वाली ख्वाहिशों को दफन नहीं करोगी उस वक्त तक तुम्हारी जिंदगी में भी खुशियों के फूल नहीं खिलेंगे। ऐ मेरी प्यारी और लाडली बेटी, इन नसीहतों के साथ मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले करती हूँ। अल्लाह ताला जिंदगी के तमाम मरहलों में तुम्हारे लिए खैर मुकद्दर फरमाए और हर बुराई से तुम्हें बचाए।